Hey guys, good evening. Welcome back to the episode. आज का ये episode start हो रहा है गुवाहाटी trip के लिए, जो कि हम लोगों ने कुछ दिन से surprise रखा था. मैं, ऋषभ, अभिनव जा रहे हाय followers. और हमारे साथ जा रहे गौरव, जो कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में. तो अभी हम लोग का ट्रेन है नागालैंड एक्सप्रेस जोरहाट टाउन से. तो अभी निकलेंगे, खाना पैक करवा रहे हैं, फूड फेस्ट. ये देखो, तो चलो अभी खाना पैक करवाते हैं रात के लिए. और कल हम लोग का टाइमिंग वहाँ पहुँचने का 3:15, जो कि आधा रात को है, मिड नाइट है. तो देखते हैं कैसे क्या होता है. और अभी 5:34 को है, तो चलो निकलते हैं खाना लेके और फिर मिलते हैं आपसे सीधा स्टेशन पहुँच के. तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पर और हम लोगों ने बैग रख दिया वहाँ पे. और गौरव भी मिल चुका है हमें. हेलो, पूरा एक्साइटेड जाने के लिए, पूरा एकदम फारू एक्साइटेड. ये है अभिनव है, ऋषभ है, हम है, हम लोग तीनों रूममेट्स हैं. और जो ये है, ये हमारा फ्रेंड है. तो इसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि जाएगा क्या, तो इसने बोला चलो चलो चार जन जाते हैं. एक दिन का होने वाला, मैं आपको बता देता हूँ. आज हम लोग अभी चढ़ने वाले, आधा घंटा बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, कल रात या फिर कल सुबह 3:15 को. तो हम लोग उसके बाद होटल लेंगे या फिर जो भी करेंगे देखते हैं. हम लोग सोचा पता है होटल ले लेते हैं, क्योंकि बैग लेके घूमना बहुत पॉसिबल नहीं है. एक दिन का ही है, एक दिन का ही प्लान है. तो हम लोग जितना भी एक्सप्लोर कर सकते करेंगे और उसके बाद उसी दिन कल रात को 11:30 वापस बैग आ जाएंगे. सुबह 7:00 हम लोग पहुँच जाएंगे. ये बोल रहे हैं धीरे, आराम से बोलो. आराम से बोलने का टाइम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करना ना वीडियो, आराम, आपको बोर भी नहीं करना है. तो चलो, हाँ, ट्रेन का आने का वेट करते हैं. 20 मिनट डिले है, तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. वॉच देम गाइस, स्टेशन में बैठे हुए हैं नल्ले भिखारी. काम नहीं है इन लोग का. भाई सब कहाँ जाना है आपको? पता नहीं, जहाँ टिकट दिखाओ, जहाँ रात ले चली. खुद जब अभी ना टिकट तो सौ ओ टिकट तो मुझे ना है. और तुम क्या हंस रहे हो, तुम्हारा भी दिखाओ. मेरा टिकट नहीं है, मेरा खुद का ही नहीं है. बताओगे? S4. हम लोग कौन सा? हम लोग कौन सा? हम लोग 69 70 72. कहाँ का है 72? ऊपर वाला ना, ठीक है. ऊपर वाला, अरे ये वाला जगह मेरा है ऋषभ, तुम मेरा जगह ले लिया, धंधा खा के. हमको इधर बैठने दो ना, ये गंदा क्यों है? शिट, तुम क्या सोच रहे, इतना साफ ट्रेन होगा इधर. तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर. यहाँ से नो कोई भी क्या है, व्लॉग है, कोई वो लगे ईमान. तुम ईमान ढूंढिए, शर्माने से थोड़ा ना होता ना. तो फाइनली गाइस ट्रेन निकल चुके हैं ट्रेन स्टेशन से, और अभी निकलते हैं और अभी देखते हैं क्या करते हैं और फिर मिलते थोड़ी देर में. और बाकी लोगों को देखो, इसको शर्म लग रहा है क्योंकि हम वीडियो बना. कोई ना, सब लोग एडजस्टेबल नहीं होते कैमरे से. तो फिलहाल मिलते हैं आपसे, ऊपर रख दो ना मेरा भी चार्जर. अरे मेरा तो अच्छे से रखो तुम लोग. तुम भी बोल दो. तुमको क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हैं? बाहर जाएगा. टाइम दिखा दो तुम्हें. 9:08 हो रहा है. मेरा तरफ दिखा, मैं इतना राजा की तरह बैठा हूं. हां दिखा दिखा, पूरा ब्लॉक तेरे को. ए बाप रे बाप, दिखाओ राजा को, दिखाओ भाई. ये देखो राजा, दिखाओ. और हमको देखो ना, हम पूरा घर बना लिया. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दीमापुर के करीब. दीमापुर इसके बाद वाला स्टेशन है. ये कोई अंधेरा सा स्टेशन है, पता नहीं क्या. ओए ये स्टेशन नाम की कोटकोटी
क्या नाम है कटकटी तो पागल इतना जूम नहीं होता कहा जाएगा सीधा जबा बोला ठीक क्या बोल रहे हैं ट्रेन चल देगा ये बोल रहा चल के आता चलो बाद में सारा लगेज अंदर हम लोग चल रहे हैं नहीं फिर भी रिस्क नहीं ले सकता ना ट्रेन इंजन चेंज करनी है ना बैलेक ट्रेन है वो सिंगल सिंगल अब ट्रेन का है लेना 98 हो रहा है यो 98 ब्रदर आराम से बोलो ये कैसे कह रहे हो राइट इट ब्रदर ब्रदर नहीं ब्रदर सही है ये जगह तो काफी सुंदर दिख रहा है लग रहा है सुनसान स्टेशन में अकेला बहुत डर लग रहा है देखो ना पीछे पहाड़ है उल्टा ये पहाड़ नहीं कुछ अलग ही लगा हमको टीला टीला हमको लगा हम लोग सीधा पहाड़ नागालैंड पहुंच गए नागालैंड के एकदम बॉर्डर में है ही नागालैंड का अंदर ही हम लोग अंदर है क्या देखो तो मैप में मैप में क्या नागालैंड में ही हम लोग बाद में पता चला किडनी उडनी बेच दे पिछले गम पालू किडनी उडनी बिकी को लमा हाँ वही हम बोला नागालैंड में और उतरना मत लेकिन नागालैंड हम लोग बॉर्डर में नागालैंड में खाली दिमापुर में रुकते बहुत ज्यादा ठंडा है और मेरा सर्दी ऐसे लगा हुआ है मैं रुमाल लेके घूम रहा हूँ तो अभी ये पहन लिया है और एक ट्रेन था वो निकल चुका है और अभी ये भी निकलेगा क्या था मालगाड़ी वही लगेज कार जिसको बोलते हैं लगेज गुड्स ट्रेन लगेज गुड्स ट्रेन वही कुछ लगेज नहीं गुड्स ट्रेन अच्छा गुड्स ट्रेन इसको देखो इस प्राणी को ध्यान से देखो इसे फोटो मेनिया है हर टाइम फोटो खींचते रहता है क्या खींच रहा है हम लोग अभी तक ग्रीन लाइट दिया नहीं ये हम लोग का रेलवे इंक्वायरी ऑफिसर जो सब कुछ बोल सकता है इसको सब पता हुआ है रेड होगा ना ग्रीन होगा क्या होगा ओके थैंक यू हाँ हम लोग कितना अच्छा ऑफिसर को लेके घूम रहे देखो आगे चलते बंजारा स्पेंडिंग टाइम इन ट्रेन बोलो कुछ बोलो क्या बोले नींद आ नहीं रहा है भूख लग रहा है सब कुछ अब बोलो उसमें बेकू सामान है पड़ सकते नींद आ नहीं रहा है लैंडिंग आने वाला है मैंने एक घंटा नींद दे दिया है कंप्लीट फिर से सोना है पर फिलहाल भूख लगा भूख ओ आलसी आदमी भूख लगा है भूख बहुत भूख लगा रहे लैंडिंग कब आएगा अभी आने वाला है जल्दी भेजो लैंडिंग को क्या बोल रहे हैं तुम फिर ऐसा कर रहे हैं हटो वहां से हाँ ये तो अपलोड होगा अब हमको नहीं वहां से हटो पकड़ी रखा था ये फाले साहब कहाँ पे आएगा स्टेशन ओ यहाँ पे तो फाले इसे की नोटों ने ओ नोटों ने ना ये तो किन्हों पिंधा लेके जाना बोल रहा ये तो ट्रेंड ऐसे ना मजा आता है सब है पिंधी से एटीएस अच्छा सब है पिंधी दुकान खाली खुला रहना चाहिए बहुत भूख लगा रही है जैसे वीडियो का बन गया झूठ तो नहीं बोल सकता वीडियो में झूठ का बनने पता ही नहीं क्या बोले नहीं तो हम लोग को कुछ बुड़बक बना बनाया बोलते काछार डिवीजन है डिवीजन काछारे मैंने इटर लैंडिंग डिवीजन के भीतर है काछार होगा चलाइए लेट्स गो सो गाइस रात के बजे हैं 10 और खाने के लिए कुछ ले लेते हैं ले लो ले लो रोटी किन रात को गाइस प्रेत आत्मा की तरह भटक रहे ट्रेन में क्या था अरे कुछ नहीं होगा गाइस कुछ दिख गया गलती से हम लोग को इंटेंशन तो नहीं था कुछ दिख गया फाइनली गाइस आया
पता है क्या देखने को मिला हम लोग। सो गाइस रात के 12:30 बज चुके हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, थोड़ा ठंडा है। गुवाहाटी लगभग पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा सा ही है बस, क्रॉसिंग था, देखिए ट्रेन रुका हुआ है। टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम देखो 2:35 हो चुका है और 3:15 है इसका रिपोर्टिंग। अभी पहुँचने ही वाला है गुवाहाटी, हम लोगों ने एंटर कर लिया है। और ये देखो रात का पूरा माहौल, उठिला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठा है इसका शक्ल देखो ना। सुबह सुबह क्या हाल है, चलो सब उठाना है। ये किसका है, तुमको पहनना है? We are about to reach Guwahati. How you are feeling? Best. How you are feeling? Always. Abhinav? Abhinav? How you are feeling? Best. Best क्या अच्छा लग रहा है? तुम best बोला वो नहीं बोल सकता मैं। क्या घंटा का हाथ मिलाएगा? और तुम्हारा तो स्टोरी तो अलग है। क्या था? So guys, finally हम लोग पहुंच चुके हैं गुवाहाटी स्टेशन और अभी बज चुके हैं सुबह के 3:13। 2 मिनट पहले ही घुसा दिया है और अभी चलते हैं। 4th नंबर में उतरे हम लोग, इसके ऊपर से जाके 1 में जाना है। तो चलो निकलते हैं और फिर आपसे बाहर जाके मिलते हैं। तो गाइस देखो सुबह सुबह हमें राधा कृष्ण जी का मंदिर मिला। वाह वाइब ही वाइब। और अभी फिलहाल हम लोग होटल की तलाश में खोज रहे हैं, जैसे होटल मिलता है और फिर मिलता है आपसे। भाई पैदल चलते चलते हालत खराब हो गया, सुबह के 3 बजे शायद ही होटल मिलता है, फिर भी ट्राई करते हैं। तो गाइस रात सुबह के बज चुके हैं 4:30 और अभी भी एक भी होटल नहीं मिला हुआ है, एक भी होटल नहीं मिला। हम लोग घूम रहे देखो पूरा ये 3 जगह, पहले बुकिंग कर लेना चाहिए था। और कोई नहीं, इतना ट्रिप पे अकेला जब आया ही है तो इतना सा सेक्रीफाइस तो कर ही सकते हैं। चलो अभी देखते हैं, एक रूम बचा है जो इसके पापा ने बोला है, देखते हैं क्या होता है। बंजारा सब बैठा हुआ है और कहाँ बैठा हुआ है देखो, ब्रह्मपुर का। अब क्या करना है? इधर सुंदर लग रहा है ना? कौन सा वो यार? हाँ क्या म्यूनसिपैलिटी का ऐसा हो देखो, सुबह सुबह रोड में भटकता हुआ प्राणी 4 जन, ये भी एक प्राणी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वैली व्यू, यहाँ से पास में ही है, वहाँ से सनराइज शायद दिख जाए क्योंकि लग तो नहीं रहा ये वेदर देख के कि सनराइज होने वाला है। तो चलो ये क्या मंदिर है? ओ हम लोग सुबह से हर मंदिर देख चुके हैं। ओए सुबह सो गाइस देखो ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा चमकादार ही चमकादार देखो। हाँ क्या है, स्टारबक्स कॉफी? इधर से कहाँ स्टारबक्स आ गया? हाँ क्या, अरे बाप रे बाप। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे होटल पे और हम लोगों ने ब्लॉग थोड़ा भी नहीं किया क्योंकि जो हालत था ना, बता दो क्या हालत था। पसीना में लुटपुट हो गया, 3 घंटा हम लोग बैठ गए थे रास्ता मिडनाइट। हम लोग 6:30 बजे जाके एक होटल मिला और अभी फिलहाल हम लोग सिटी सेंटर के पास में हम लोगों ने होटल लिया। चलो अभी हम लोग नहा चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे सीधे कामाख्या टेम्पल, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे।
चलो जाते हैं मंदिर, और हाँ उधर जाके अभी नीचे हम लोग का गाड़ी भी खड़ा है, उधर से निकलते हैं। तो चलो भाई इसके बाद का ब्लॉग वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये जर्नी का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। आप सब तक फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।